तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 6.2, सेक्शन 6.2 बात करता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर हम कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ चुके हैं कि पर्सन की डेफिनेशन में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हम किसको कहेंगे, जो जॉइंट फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली जो इंडिया में क्या होता है, मोस्टली जॉइंट फैमिली होती है, तो जॉइंट फैमिली को कहते हैं हम हिंदू अनडिवाइडेड। जॉइंट फैमिली के नाम से बिजनेसेस चलते हैं मोस्टली, जैसे कि हम बोलते हैं कि JK एंड सन्स, तो वो क्या चीज हो गया, HUF है। वो क्या है, HUF, जॉइंट फैमिली के नाम से वो बिजनेस चल रहा है, HUF। तो हम इसको एक अलग पर्सन मानते हैं। इसका जैसे ही ये अलग पर्सन है तो इस पर्सन के नाम पर जो इनकम आ रही है, मान लो कि बिजनेस चल रहा है, बिजनेस एंड प्रोफेशन इसके नाम से चल रहा है, जैसे JK एंड सन्स। क्या बोला सर, जैसे JK एंड सन्स, ठीक है। इस HUF के नाम पर एक बिजनेस प्रोफेशन चल रहा है, इसके नाम पर 10 लाख की इनकम आती है, तो 10 लाख की इनकम इसके नाम पर आ रही है। तो पर्सन कौन है यहाँ पर, पर्सन बोलो कौन है, पर्सन है HUF, और HUF के नाम से ही रिटर्न फाइलिंग जाएगी। सर इसकी जो लिमिट थी, एग्जेंप्शन लिमिट कितनी थी सर, 2.5 लाख की लिमिट थी, याद आ रहा है ना। यस सर, 2.5 लाख, 2.5 लाख तक छूट, बाकी 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5%, फिर उसके ऊपर वाला 5 लाख तक, बोलो बोलो, 5 लाख तक 20%, फिर उसके ऊपर 30%। अच्छा, वो दूसरी वाली कैटेगरी भी, जो नई वाली कैटेगरी अमेंडेड कैटेगरी आई है, उसके लिए भी आपको याद कर लेनी है स्लैब, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूं यहां पर रेजिडेंशियल स्टेटस। तो इसने इनकम कमाया तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस हमें देखना पड़ेगा, बोलो बोलो यस और नो, यस। तो HUF का जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे तो उसने बोला भैया सुनो, इसके लिए भी हमने पहले से ही बात बता दी है कि इंडिविजुअल और HUF की, इंडिविजुअल की तरह इसमें भी क्या, या तो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा। अच्छा, नॉन रेजिडेंट होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रेजिडेंट होगा तो फिर दो चीजें, कौन सी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यहां पर बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहां पर बड़ा ही क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसने बोला कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF निकालने के लिए ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बिजनेस का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है ऑफ इट्स अफेयर्स, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर, वो इंडिया से हो रहा है या फिर बाहर से हो रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं मान लो कोई HUF है और HUF का बिजनेस इंडिया में भी है और बाहर भी है, आउट ऑफ इंडिया में भी है, ठीक है। तो इसका जो कंट्रोल है वो कहां से हो रहा है, कंट्रोल कौन करता है सर। मोस्टली जो देखा जाता है, जो हेड ऑफ द मेंबर होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, वो करता होता है, करता, उसको बोलते हैं हमारे हमारे इनकम टैक्स में जिसको बोलते हैं कर्ता, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो कर्ता होता है, और वो डिसीजन मेकिंग लेता है कि इस बिजनेस में होना क्या चाहिए, ठीक है। अगर कर्ता बाहर है या फिर इंडिया में है, मान लो कि कर्ता आउट ऑफ इंडिया है, क्या बोला, मान लो कर्ता फुल प्रीवियस ईयर 20 और 21 के लिए आउटसाइड इंडिया है, और वहीं से बैठकर बिजनेस के बारे में सारे मेन डिसीजंस वो ले रहा है, यानी कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो चला गया है वो आउटसाइड इंडिया से हो रहा है। अच्छा, कर्ता अगर इंडिया में और यहां से वो डिसीजन मेकिंग ले रहा है, तो यानी कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स यानी बिजनेस के, वो कहां पर है सर, वो इंडिया में है। तो यानी कि इसी के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने के लिए उसने बोला इनकम टैक्स, उसने कौन सर, इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि अगर भाई HUF सुनो, अगर आपके बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स फुल्ली आउटसाइड इंडिया है, पूरा का पूरे साल तुम आउटसाइड बैठे हो, पूरे के पूरे साल तुम आउटसाइड से बिजनेस कर रहे हो। देखो यहां पर HUF की बिजनेस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया बंदा वहां का बैठा है लेकिन बिजनेस यहां पर कर रहा है। अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तुम वहां से कर रहे हो, फुल टाइम तुम वहां बैठे हो और वहां से बात कर रहे हो हमसे, ठीक है। इस JK एंड सन्स की बात कर रहे हो, JK एंड सन्स का जो करता है वो फुल टाइम वहां बैठा हुआ है USA में, और USA से डिसीजन मेकिंग कर रहा है फुल टाइम, एक भी बार वो इंडिया में नहीं आया प्रीवियस ईयर 20 और 21। तो यानी कि मान लिया जाएगा कि पूरे प्रीवियस ईयर में वो आउट, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स आउटसाइड इंडिया है, फुल्ली आउटसाइड इंडिया हो गया, यानी पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया हो गया,
तो पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया हो गया, तो तुम्हें मान लेंगे हम क्या, नॉन रेजिडेंट। बोलो बोलो, बात बिल्कुल सिंपल समझ में आती है? यस सर, सिंपल शब्दों में क्या बोला उसने, अगर तुम्हारे बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली आउटसाइड इंडिया है, वहां से डिसीजन मेकिंग ले रहे हो, तो फिर हम तुम्हें मान लेंगे कि तुम नॉन रेजिडेंट हो, अदरवाइज तुम रेजिडेंट हो। अदरवाइज में क्या मतलब आ गया, यानी कि फुल्ली यानी कि होली इन इंडिया, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इन इंडिया और पार्टली इन इंडिया या फिर पार्टली आउटसाइड इंडिया है। यानी कि मतलब क्या हुआ, यहां पर मतलब आपका हो जाता है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यानी कि जो कंट्रोल करने वाला व्यक्ति है, मिस्टर कौन, कर्ता, कर्ता मान लो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स जो है वो कर्ता है इस एचयूएफ का, जेके इंश्योरेंस का जो करता है वो है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कुछ टाइम पीरियड के लिए, मान लो 10 दिन के लिए वो इंडिया में आ जाता है और यहां से उसने डिसीजन मेकिंग ले ली है। किसके बारे में, जेके एंड सन्स की डिसीजन मेकिंग ले ली है यहां से, यहां पर। अब जब जेके एंड सन्स की डिसीजन मेकिंग उसने यहां पर ले ली, इंडिया में ले ली, तो क्या बोलेंगे हम, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो पार्टली इंडिया में आ गया है, पार्टली इंडिया में आ गया है। जब वो पार्टली इंडिया में आ गया है तो हम बोलेंगे तू रेजिडेंट है, और जैसे ही तू रेजिडेंट है, जो कुछ तूने इंडिया से कमाया उस पर तो हम इंडियन इनकम पर तो टैक्स लेंगे ही लेंगे, तेरी फॉरेन इनकम जो तूने फॉरेन में भी कमाया होगा उस पर भी टैक्स लेंगे। जेके एनसन सुन लो हमारी बात, मैं यहां पर मिस्टर कर्ता के नाम पर चल रहे बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो कैपेसिटी उसकी इंडिविजुअल है। मैं कह रहा हूं कि एचयूएफ के नाम पे यानी ज्वाइंट फैमिली के नाम पर, जेके एंड सन्स के नाम से अगर कोई भी काम आपने किया है, बाहर से इनकम कमाई है, तो उस पर भी टैक्स ले लेंगे, और इंडिया से इनकम कमाई है इस पर भी टैक्स लेंगे। बट अगर आपका फुल्ली पूरे साल में आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाहर रहा है तो आपको मानेंगे हम नॉन रेजिडेंट, और सिर्फ इंडियन इनकम पर भी हम टैक्स लेंगे और फॉरेन इनकम पर हम टैक्स नहीं लेंगे। बोलो, बात समझ में आ जाती है? बिल्कुल आसान थी, इसमें कोई कंडीशन वाली बात नहीं है, 182 डेज वाली, ठीक है। लेकिन 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 ये तो सर पता चल गया कि नॉन रेजिडेंट हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब रेजिडेंट हो गया तो हमको दो चीजें निकालनी है। कौन सी दो चीजें सर, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है आरओआर है, या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, दोनों में से ये कौन सा है, इसको कैसे निकालेंगे? सर इसको निकालने के लिए ना सेम मेथड, सेम टू सेम कॉपी एंड पेस्ट जो हमने इंडिविजुअल का पढ़ा था ना, इंडिविजुअल का क्या पढ़ा था, इंडिविजुअल का जल्दी से जल्दी बताओ, इंडिविजुअल का हमने पढ़ा था कि दो कंडीशन उसको पूरी करनी पड़ती थी, कौन सी, पिछले 10 सालों में, 10 ईयर्स में 2 ईयर्स के लिए उसको रेजिडेंट बनना है, एंड दूसरा पिछले 7 सालों में उसको 730 डेज स्टे करना है इंडिया में। सर क्या यहां पर भी सेम कंडीशन है? बिल्कुल सेम कंडीशन है। क्या एचयूएफ के लिए? ना 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 ना, एचयूएफ के लिए नहीं, ये स्टे वाली जो कंडीशन है वो है मिस्टर एक्स के लिए, जो कि है कर्ता, कर्ता का स्टे देखा जाएगा। जैसे ही पता चल गया कि जेके एंड सन्स जो है वो रेजिडेंट है, मान लो कि हमारा जो जेके एंड सन्स है वो रेजिडेंट हो गया है कुछ दिनों के लिए, जो मिस्टर एक्स है वो यहां पर आया था और यहां से उसने डिसीजन मेकिंग की थी, तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली इन इंडिया आ गया। जैसे ही पार्टली इन इंडिया आ गया तो वो रेजिडेंट बन गया, और रेजिडेंट बन गया तो अब बताओ वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है एचयूएफ या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके कर्ता को पकड़ना पड़ेगा। क्या कर्ता कौन है? सर मिस्टर एक्स। अब इसके कर्ता पर कौन सी कंडीशन लगेगी, ये जो दो कंडीशन है उसके कर्ता पर देखेंगे कि ये दो कंडीशन अगर उसके कर्ता ने पूरी की है तो वो क्या बन जाता है, आरओआर। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं की है, या फिर एक कंडीशन पूरी की और दूसरी कंडीशन पूरी नहीं की है, तो वो बन जाता है एनओआर। बात आ गई क्या समझ में यहां पर? यस सर बिल्कुल बात समझ में आ गई है, ठीक है। यानी कि सिंपल मैंने बोला कि भैया जो एचयूएफ है, जो एचयूएफ है वो
रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, कैसे पता लगेगा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, जल्दी से बताओ। इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बोलो फुल्ली इन इंडिया या फिर पार्टली इन इंडिया है। एक भी दिन के लिए वो यहां पर आया करता और यहां से उसने डिसीजन मेकिंग ले ली, ओ हो, डिपार्टमेंट उसको रेजिडेंट बना डालेगा, और रेजिडेंट बना डालेगा तो उसकी फॉरेन इनकम पर भी टैक्स ले लेगा। समझ में आया क्या? नहीं, बिल्कुल समझ में आया। लेकिन अगर पूरा का पूरा साल अगर वो बाहर है और वहीं से डिसीजन मेकिंग ले रहा है तो उसको बोलेंगे वो नॉन रेजिडेंट, यानी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स फुल्ली आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। जैसे ही वो नॉन रेजिडेंट बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रेजिडेंट बन गया तो फिर से अब कर्ता के बारे में देखेंगे कि कर्ता कौन है भैया। कर्ता का, कर्ता ने दो कंडीशन, जो एडिशनल दो कंडीशन है वो पूरी की थी या नहीं की थी। देखो सिंपल, एक तो कंडीशन होती है, दो कंडीशन कौन से, 183 वाली, उस वक्त एडिशनल कंडीशन किसको बोलते हैं, जो जो आरओआर और एनओआर निकालने के लिए होती है उसको बोलते हैं एडिशनल टू कंडीशंस। तो एडिशनल टू कंडीशंस कौन सी थी, 10 इयर्स में से 2 इयर्स वाली रेजिडेंट बनने वाली और पिछले 7 साल में से 730 डेज वो क्या बना है, बोलो बोलो वो यहां पर स्टे कर रहा है या नहीं कर रहा, इस पर डिपेंड करेगा। चलिए दो तीन क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं यहां पे, एक बार समझ लेते हैं। और अच्छा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है, देखो यहां पर पढ़ के आपको पता लग जाएगा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब है कि भैया सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यानी कि डे टू डे एक्टिविटी नहीं, नॉट केयरिंग ऑन डे टू डे बिजनेस में मैंने एक मैनेजर रख रखा है वो डिसीजन मेकिंग ले रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा। मेन बिजनेस कौन ले रहा है, एक्टिव बिजनेस कौन ले रहा है, उसकी बात हम करके चलते हैं। वेयर हेड एंड ब्रेन ऑफ एडवेंचर इज सिचुएटेड, यानी कि ब्रेन जिसका हेड, हेड कौन है, जहां पर जो मैनेजमेंट ले रहा है कि मेरे को इस कंपनी के साथ टाई अप कर लेना चाहिए, मुझे इस कंपनी को छोड़ देना चाहिए, मुझे ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा कर देना, बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग ले रहा है जो ऊपर से हेड ऑफिस से लिए जाते हैं, वहां पर वो चीजें कौन ले रहा है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, प्लेस ऑफ कंट्रोल मे बी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल प्लेस ऑफ रनिंग ऑफ बिजनेस। मान लो कि बिजनेस यहां पर इंडिया में है, बट जरूरी नहीं है कि उसका कंट्रोल जो है वो इंडिया से है, कंट्रोल बाहर से भी हो सकता है। एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहे हैं हम, नॉट सिर्फ मेयरली, ये काफी नहीं है कि हमने उसको एक बंदे को राइट दे रखा है। मैं बोलूं कि यहां पर हमने एक बंदा है मिस्टर वाई जो कि एचयूएफ का पार्ट है, और मिस्टर एक्स एचयूएफ ने डिसाइड किया कि मिस्टर वाई जो है फुल टाइम के लिए उसको इंडिया में, वो बाहर रहता है, तो हम इसको बना देते हैं सिर्फ दिखाने के लिए करता। इसको राइट डॉक्यूमेंट्स में हम राइट दे देते हैं कि भैया कि एक काम करो तुम डिसीजन मेकिंग ले सकते हो, ठीक है, लेकिन असलियत में डिसीजन मेकिंग ले रहा है मिस्टर एक्स जो कि इंडिया में रहता है। तो इस एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर आएगा, सर एक्चुअल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कौन ले रहा है, मिस्टर एक्स ले रहा जो कि इंडिया में है, तो यानी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आ गया इंडिया में, तो उसको बोल देंगे कि ये रेजिडेंट है। बात आ गई क्या समझ में, बिल्कुल सही से आ चुकी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि बट कंट्रोल मैनेजमेंट डू एम्प्लॉय द फंक्शनिंग ऑफ द कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग पावर एट अ पर्टिकुलर प्लेस विद सम डिग्री ऑफ परमानेंस, यानी कि किसी ने डिग्री ऑफ परमानेंस के तौर पर कंट्रोल एंड डायरेक्शन का पावर हम किसी बंदे को देते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। चलो सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन, उसने बोला कि मिस The business of HUF, business चल रहा है HUF का, is transacted from Australia से चल रहा है and all policy and decisions are taken there. वहां से ही, Australia से ही उसकी policy की decision making हो रही है। Mr. E जो था उसमें एक करता है, ठीक है, HUF का, जो कि कोलकाता में born हुआ, बाबा ये कोलकाता में born हुआ है, ठीक है, तो रसगुल्ला खा के वो कोलकाता में born हुआ, और visit क्या करता है, विजिट इन इंडिया क्या कब किया उसने, 20 एंड 21 में विजिट करता है वो 15 साल के लिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 15 साल बाद, आफ्टर 15 इयर्स, यानी 15 साल के बाद वो लौट कर आया, इंडिया में बॉर्न हुआ था, 15 साल के बाद वो लौट कर आया इंडिया में 20 एंड 21 में। प्रीवियस ईयर क्या था हमारा, 20 एंड 21, यही रेलिवेंट है हमारे लिए कि इस ईयर में वो आया है। अब उसने बोला कि वैसे कहां से कंट्रोल हो रहा था, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अब तक पढ़ के क्या लगा था कि ऑस्ट्रेलिया में होगा, वहां से डिसीजन मेकिंग ली जा रही है। मिस्टर ई जो करता है वो कब आया यहां पर, देखो
इंडिया में आया। अब उसने बोला कि कम्स टू इंडिया 1/4/2020 को आया और उसने छोड़ा ऑस्ट्रेलिया, मतलब इंडिया छोड़ा कब, 1/12/2020 को उसने इंडिया छोड़ा यानी ऑस्ट्रेलिया चला गया। डिटरमाइन करना रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ई एन एच यू एफ, दोनों अलग अलग बंदे हैं। देखो ई ई के लिए पूछ रहा है कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बताओ कि उसका एज एन ई ई कौन है, इंडिविजुअल कैपेसिटी। एच यू एफ बोले तो भाई एच यू एफ की रेजिडेंशियल स्टेटस, तो दोनों का रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ई का फाइंड आउट करते हैं। हमने क्या देखना था कि उसने इस ईयर में यानी कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहा है या नहीं रहा है। कब आया वो, 1/4/2020 को, यानी कि अप्रैल में कितने दिन रहा सर, 30 दिन पूरे के पूरे। एक तारीख को आया तो इंक्लूड करेंगे स्टे में, तो पूरे के अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, तो 30 दिन पूरे रहा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में वो फिर चला गया। यहां से चला गया तो मतलब क्या, दिसंबर को यहां पर गिनेंगे या नहीं गिनेंगे, यस, तो एक दिन उसका, तो यानी टोटल मिलाकर वो 245 डेज इंडिया में रह गया है मिस्टर ई। तो मिस्टर ई का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है सर, वो रेजिडेंट बन जाता है, ही इज रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, एक कंडीशन उसने 182 डेज वाली पूरी कर दी। अब रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, जल्दी से बताओ सर। उसको दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। कौन कौन सी दो कंडीशन थी, दो कंडीशन थी कि पिछले 10 सालों में वो रेजिडेंट रहा है या नहीं रहा है, पिछले 10 सालों में वो, पिछले 10 साल में वो रेजिडेंट है या दो साल वो रेजिडेंट है या नहीं, और दूसरा पिछले 10 साल में वो 730 दिन उसको पूरे करने चाहिए, 730 दिन। तो यानी वो तो 15 साल बाद आया है यहां पर, यहां पर कब आया है, 15 साल बाद आया है। तो यानी कि इसके 15 साल पहले तक, 15 साल पहले तक वो के नॉन रेजिडेंट रहा होगा इंडिया में या नहीं रहा होगा, बोलो बोलो यस और नो। यस सर, बिल्कुल रहा होगा। यानी कि 0 डेज रहा है तो यानी 730 डेज पूरा करने का भी मौका उसको नहीं मिला होगा, यस सर। तो यानी कि एडिशनल कंडीशन उसने पूरी नहीं की है तो वो क्या बन जाता है सर, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो यानी कि यह क्या बोल जाता है कि हाउएवर सिंस ही कम्स, he has come to India after 15 years, it does not satisfy any of the condition for being ordinary resident. ordinary resident बनने के लिए उसने कोई भी condition पूरी नहीं की है, तो उसको बोल देंगे हम कि वो not ordinary resident है। resident तो है but वो not ordinary resident है, individual, Mr. E की बात हुई। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं सर, एच यू एफ की बात कर रहे हैं। तो बिजनेस को कहां से ट्रांजैक्ट किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से ट्रांजैक्ट किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है, नथिंग इज बीइंग मेंशन्ड रिगार्डिंग द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बंदा यहां पर आया, ई यहां पर तो आया लेकिन उसने यहां से डिसीजन लिया ही नहीं लिया, ये अभी तक कुछ नहीं बता रखा क्वेश्चन में। तो एज्यूम किया गया है, क्या बोला, एज्यूम कि आप एज्यूम करके ये भी बोल सकते हो कि उसने डिसीजन मेकिंग यहां पर भी ली होगी। एज्यूम किया गया कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है, पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया है, तो एच यू एफ बन जाता है नॉन रेजिडेंट। लेकिन लेकिन मैं यहां पर एक और क्वेश्चन आपसे बोलता हूं, मान लो एज्यूम करो कि उसने कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से भी किया है, इंडिया से किया तो पार्टली इन इंडिया कंट्रोल आ गया, पार्टली इन इंडिया कंट्रोल आ गया, यस सर, पार्टली इन इंडिया आ गया, तो ये क्या बन गया सर, रेजिडेंट बन गया। अब ये रेजिडेंट बन गया तो ये रेजिडेंट बन गया, ठीक है, कौन, एच यू एफ रेजिडेंट बन गया। अब ये रेजिडेंट तो बन गया सर, वो आर ओ आर है या एन ओ आर है, आर ओ आर है या फिर एन ओ आर है, तो क्या देखना पड़ेगा, यस यस बिल्कुल सही, उसको देखना पड़ेगा सर उसके कर्ता ने वो दो कंडीशन पूरी की है नहीं की है, एडिशनल दो कंडीशन उसने कर्ता में पूरी की है नहीं की है। यानी कि ऊपर ही हमने देख लिया था एडिशनल दो कंडीशन तो उसने पूरी की नहीं है क्योंकि उसको 15 साल बाद आया है, तो पिछले 10 साल में दो बार वो रेजिडेंट नहीं रहा होगा और 730 भी उसने पूरे नहीं किए होंगे पिछले 7 साल में, तो यानी कि क्या वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है, आंसर ये होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, यस सर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, अन एचयूएफ हुज अफेयर्स ऑफ बिजनेस, देखो ध्यान से पढ़ना, एक एचयूएफ है जिसका अफेयर्स ऑफ बिजनेस आर कंप्लीटली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, पूरा का पूरा कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, क्या दिमाग में आता है, तो सर वो पूरा का एचयूएफ जो है वो एचयूएफ जो है वो रेजिडेंट है, पूरा का पूरा फुल्ली कंट्रोल इंडिया में, यानी कि इतना सभी इंडिया से कंट्रोल हुआ तो भी रेजिडेंट मान लेंगे डिपार्टमेंट वाले यहां पे, यस सर। अच्छा, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ 21 एंड 22, अरे बता दिया ना, रेजिडेंट
लेकिन सर रेजिडेंट नहीं, उसको यहां तक ही बात नहीं रुकेगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो पहला वाला केस वो बोलता है कि इफ कर्ता इज ROR इन इंडिया फॉर दैट ईयर, मतलब क्या बोला देखो समझो, कर्ता जो था इसका, इसका जो कर्ता है, कर्ता इसने ROR बनने के लिए, ROR इंडिया में है मतलब उसने दोनों कंडीशन पूरे किए होंगे इंडिविजुअल कैपेसिटी में, बोलो बोलो। कर्ता बनने के लिए यानी ROR मतलब रेजिडेंट है बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए दो कंडीशन पूरे किए होंगे या नहीं किए होंगे? यस, उसने दो कंडीशन पूरे किए होंगे। जब उसने दो कंडीशन कौन से, पिछले 10 सालों में से 2 साल रेजिडेंट और एडिशनल कंडीशन ना उसने पूरे किए होंगे, रेजिडेंट है, रेजिडेंट है और भी दो कंडीशन उसने पूरे कर दिए होंगे तभी तो वो ROR बना ना। यस, तो दो कंडीशन कौन से, एक तो पिछले 10 साल में 2 साल वो रेजिडेंट और पिछले 7 सालों में से 730 दिन वो रहा होना चाहिए, उसने पूरे किए होंगे कर्ता ने तभी जाके ये है। तो यानी कि यही देखना था, ये रेजिडेंट हो गया, उसके कर्ता ने दोनों कंडीशन पूरे कर दिए हैं, तो जब पूरे कर दिए हैं तो वो ROR बन गया है। दूसरा वो क्या कहता है बी केस में, बी केस में कहता है कि अच्छा HUF तो रेजिडेंट बन गया बट कर्ता जो है वो नॉन रेजिडेंट है, कर्ता क्या है वो नॉन रेजिडेंट है, यानी कि उसने दोनों की दोनों कंडीशन पूरी नहीं की होगी, पहले वाली 182 डेज वाली और उस वाली, बट ही सेटिस्फाई दी बोथ दी एडिशनल कंडीशन, बट वो एडिशनल कंडीशन उसने पूरी कर रखी है यानी कि पिछले 10 साल में, यानी कि क्या मतलब है इसका, यानी कि कर्ता जो था, मान लो कि मिस्टर ई की बात कर रहे हैं, मिस्टर ई की बात कर रहे हैं और HUF का कर्ता है वो मिस्टर ई, मिस्टर ई ने ई सिर्फ और सिर्फ 50 डेज रहा है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में 20 एंड 21 में वो 60 डेज रहा है प्रीवियस ईयर में, सॉरी 50 डेज, तो 50 डेज रहा है तो ऑटोमेटिकली यहां पे नॉन रेजिडेंट हो गया, लेकिन वो पहली बार ही बाहर गया है इंडिया से बाहर, तो यानी कि इससे पहले साल में वो रेजिडेंट रहा होगा हर साल। यस सर, जब पहली बार गया है तो उससे पहले साल और उसके हर हर साल में 365 पूरे किए होंगे उसने, तो यही वाली कंडीशन वो बोल रहा है, वो कह रहा है कि जो ई है, जो कर्ता है इसका, वो नॉन रेजिडेंट है बट उसने दोनों की दोनों कंडीशन पूरी की है, यानी कि इसमें 2 साल तक तो वो रेजिडेंट था और 7 साल में वो 730 डेज उसने पूरे किए होंगे, यानी दो एडिशनल कंडीशन उसने पूरी कर रखे हैं। तो बताओ HUF क्या होगा, तो HUF क्या हो जाएगा बोलो, ROR होगा या नहीं होगा? यस ROR होगा, समझ में आ रहा है, दूसरे वाले में भी ROR होगा। तीसरा वाला क्या बोलता है, इफ कर्ता इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी अगर कर्ता जो है रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, कब बनेगा वो कर्ता, जब उसने दोनों एडिशनल रेजिडेंट बनने के लिए दोनों दोनों में से एक कंडीशन पहले पूरी कर दी 182 डेज या फिर 60 डेज और 4 साल में 365 डेज, दोनों में से कोई कंडीशन पूरी करके वो रेजिडेंट बन गया। और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब बना, जब दोनों की दोनों कंडीशन उसने पूरी नहीं की, कौन सी, जो एडिशनल कंडीशन थी, एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं की, तो यानी कि यहां पर कर्ता ने एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं की तो उसको क्या बोलना, डज नॉट सेटिस्फाई दी बोथ एडिशनल कंडीशन, तो वो क्या बन जाता है, HUF भी ROR बन जाएगा, आर बट NOR, ऊपर वाले में रेजिडेंशियल स्टेटस तो वो रेजिडेंट था, इस वाले में भी ROR था, ठीक है, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यही सारी चीजें हमने पढ़ ली। चलो ये दो दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, आप पढ़ लोगे तो दो दो चीज और हैं, पढ़ लोगे तो बिल्कुल समझ में आने लग जाएगा। चलो यानी कि लास्ट हमें यहाँ पे चार्ट में देख लो, चार्ट में क्या बोला, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF कैसे निकाला, कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स अगर होली और पार्टली इन इंडिया में आएगा तो उसको बोलेंगे रेजिडेंट, और सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेजिडेंट, यानी कि अब फिर अगर नॉन रेजिडेंट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर रेजिडेंट हो गया तो फिर दो कंडीशन देखेंगे कि 10 साल में, पिछले 10 साल में 2 साल कम से कम वो रहा होना चाहिए, कम से कम वो रेजिडेंट होना चाहिए, कर्ता 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 रेजिडेंट होना चाहिए और उसका स्टे 730 डेज इन 7 प्रीवियस ईयर में रहा होना चाहिए, तब जाके वो क्या बन जाएगा, अगर वो बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड कर देता है तो ROR, अगर अदरवाइज वो आर बट NOR, बिल्कुल सही बात है। चलिए ये वाला हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, नेक्स्ट टॉपिक बोलता है सेक्शन 6(2) बात करता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP, AOP की बात करता है, AOP फर्म और AOP की बात करता है कि भैया क्या है बोलो, सिंपल है बड़ा इसमें, अब तो बिल्कुल भी देखो, या तो वो रेजिडेंट है, बाकी मैंने बोला था ना इंडिविजुअल और HUF को छोड़कर बाकी जितने भी बचेंगे, AOP और फर्म
और लोकल अथॉरिटी, ये सब जितने भी बचेंगे इनमें सिर्फ और सिर्फ या तो वो रेजिडेंट होंगे या तो नॉट रेजिडेंट होंगे, नॉन रेजिडेंट होंगे, या तो रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी वाला इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो सिंपल बात है, सिंपल, जैसे जैसे आपने एचयूएफ वाला पढ़ा था कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स होली और पार्टली इन इंडिया, जैसे ही आ जाता है होली और पार्टली इन इंडिया में आ जाएगा तो उसको बोलेंगे कि रेजिडेंट है इंडिया में, ये फर्म जो है वो रेजिडेंट है इंडिया में, और उसकी इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों की इनकम को हम टैक्स करके चलेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या, अगर फर्म की बात करता हूं मैं, अगर मैं फर्म की बात करता हूं तो उसमें जो पार्टनर है, ठीक है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो दिया जाता है पार्टनर को दिया जाता है, और अगर मैं एओपी की बात करता हूं तो उसमें प्रिंसिपल ऑफिसर जो होगा एओपी बीओआई में, एंड बीओआई एओपी बीओआई में जो भी पार्टनर हो, उसका जो प्रिंसिपल ऑफिसर होगा, प्रिंसिपल ऑफिसर जिसको बनाया होगा, उसके हाथ में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होता है। अगर वो बंदा एक एक दिन के लिए भी यहाँ आ जाता है तो पार्टली इन इंडिया आ गया, पार्टली इन इंडिया आ गया तो फर्म या फिर एओपी या वीओआई क्या बन जाता है, बोलो बोलो क्या बन जाता है सर, रेजिडेंट बन जाता है। नॉन रेजिडेंट डिपार्टमेंट का बोलेगा, ये बोलता है कि तू पूरे साल अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाहर से कर रहा है ना तो मैं तेरे को नॉन रेजिडेंट मान लूंगा, नॉन रेजिडेंट में मान लूंगा पूरे साल में। समझ में आया नहीं आया, यस। चलो, जैसे कि नीचे क्या लिखा है, ए बी पार्टनरशिप फर्म है हैविंग टू पार्टनर्स मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है इन जर्मनी थ्रू आउट द ईयर है, जो कि जर्मनी में है थ्रू आउट द ईयर, आउटसाइड इंडिया है वर्किंग पार्टनर जो डिसीजन ले रहा है, ठीक है। और बी जो है एक साइलेंट पार्टनर है, ऐसी बस पार्टनर बना रखा है, ठीक है, उसको वो डिसीजन मेकिंग में काम नहीं कर रहा है। तो हु इज इन इंडिया थ्रू आउट द ईयर, तो इन दिस केस पार्टनरशिप फर्म क्या होगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया माना जाएगा, क्योंकि भैया जो वर्किंग पार्टनर है वो आउटसाइड इंडिया है, तो उसको नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। बट अगर मिस्टर ए एक दिन के लिए भी, फॉर द फ्यू डेज के लिए भी अगर इंडिया में आ जाता है, मिस्टर ए हैज कम टू इंडिया फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए भी यहां से आ जाता है और यहां से वो डिसीजन मेकिंग ले लेता है, काम कर लेता है, तो यानी कि उसको बोल दिया जाएगा कि वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो रेजिडेंट बन गई है। बोलो यस और नो, बिल्कुल इजी था, कोई बात ही नहीं थी इसमें तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट में पढ़ते हैं। हमने बोला कि लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या का रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 64 बताता है, और सेक्शन 64 कैसे बताता है, वो कहता है सिंपल वही चीज है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर होली और पार्टली अगर इंडिया में है तो उसको बोल देंगे रेजिडेंट, अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो उसको बोलेंगे नॉन रेजिडेंट। बस आपका यहां पर रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म हो जाता है, एक्सेप्ट कंपनी को छोड़कर, कंपनी। अब रेजिडेंशियल स्टेटस ये लास्ट है, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस जो पर्सन का निकालना है कंपनी का, वो लास्ट है। देखो ये बड़ी ही बेहतरीन चीज है, कंपनी बिल्कुल ही आसान चीज, हमने पढ़ा था कंपनी कितने टाइप की होती है, इंडियन कंपनी होती है, डोमेस्टिक कंपनी होती है, फॉरेन कंपनी होती है, ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने, है ना। चलो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इंडियन कंपनी, अगर कंपनी इंडियन कंपनी है, जैसे कंपनी है, कंपनी के नाम पर बिजनेस चल रहा है, जैसे एबीसी लिमिटेड कंपनी, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अब एबीसी लिमिटेड जो है इंडिया में बिजनेस कर रहा है और बाहर भी बिजनेस कर रहा है, तो उसको उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पहले हमें निकालना पड़ेगा बाहर की इनकम को टैक्स करने के लिए। अगर वो रेजिडेंट हो गया यहां पर तो हम कहेंगे कि उसकी बाहर वाली इनकम को हम यहां पर टैक्स कर देंगे, अगर वो नॉन रेजिडेंट हो गया तो हम बोलेंगे कि बाहर वाली इनकम पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। बात आ गई क्या समझ में या नहीं आई? यस सर, बात आ गई। अगर मान लो कि कोई एक इंडियन कंपनी की बात है, कि तीन तरीके के यहां पर सीधा सीधी बात मैं बताता हूं, यहां पर आ जाओ सीधा। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी निकालने के लिए हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी, क्या वो इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी मतलब जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई है इंडिया में, इंडियन कंपनी कहलाती है, ठीक है। अगर वो इंडियन कंपनी है, अगर वो इंडियन कंपनी है, अगर इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज रेजिडेंट कहलाएगी, चाहे उसको कंट्रोल तुम इंडिया से करो चाहे उसको कंट्रोल तुम आउटसाइड इंडिया करो। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड जो है, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में, एबीसी लिमिटेड जो है इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, बट उसको जो कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टर, डायरेक्टर्स लोग जो है वो बाहर फुल टाइम इंडिया यूएसए में है, तो वो इंडिया में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो भैया वो इंडिया में ऑलवेज एंड ऑलवेज रेजिडेंट ही होगी, क्योंकि वो इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है। समझ में आया नहीं आया? यस। उस
अगर उस इंडियन कंपनी ने जो इंडिया में इनकम कमाई है उस पर भी टैक्स देगा, जो फॉरेन में इनकम कमाई है उस पर भी इंडिया में टैक्स देगा, क्योंकि वो बन गया है यहां पर रेजिडेंट। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई इंडियन कंपनी के बारे में? यस सर। दूसरी कंपनी हो गई जो इंडियन कंपनी नहीं है, अदर देन इंडियन कंपनी, वो होती है हमारी फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी जो कि बाहर रजिस्टर्ड हुई है बट यहां पर आकर काम कर रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी तो वो है, अब फॉरेन कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ ना पहले, रेजिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि हमें रेजिडेंशियल स्टेटस इस फॉरेन कंपनी का क्यों जानना है, ताकि हम उसकी फॉरेन की इनकम को भी यहां पर टैक्स कर सके। याद आ रहा है? यस सर। तो यानी कि फॉरेन कंपनी के लिए उसने बोला कि एक बात बताओ, तुम फॉरेन कंपनी, तुम बाहर रजिस्टर्ड हुए, यहां पर आके काम किए? मैंने बोला हाँ यहां पर आके काम किया मैं, तो तुम्हारी तुम्हारा क्या रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा? मैंने बोला हाँ। कंपनी हैविंग टर्नओवर ग्रॉस रिसीव्ड कितना है? 50 करोड़ और लेस इन फाइनेंशियल ईयर। उसने बोला कि जो एक कंपनी है ना उसका जो टर्नओवर है, सेल टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ और उससे नीचे का है। मैंने क्या बोला, 50 करोड़ और उससे नीचे की उसकी रिसिप्ट है, पूरे साल बिजनेस किया उसने और 50 करोड़ से नीचे कमा की रिसिप्ट है उसकी, इनकम नहीं बोल रहा मैं, रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब टर्नओवर, टर्नओवर में से जब रिसिप्ट में से जब आप अपने एक्सपेंसेस माइनस करते हो तब आपकी इनकम आती है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, उसने पूरे साल बिजनेस किया, कितने टर्नओवर का, 50 करोड़ का उसने टर्नओवर कमाया। तो हमने बोला चलो ठीक है यार, तुम फॉरेन कंपनी, 50 करोड़ छोटी कंपनी होती है, ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम है ना, तुम हमेशा तुम हमारे लिए नॉन रेजिडेंट हो जाओगे, यानी कि नॉन रेजिडेंट है, ऑलवेज नॉन रेजिडेंट, यानी कि तुम, तुम्हारी इंडियन इनकम, इंडिया में जो कुछ भी आपने कमाया होगा इंडिया में बिजनेस करके उस पर तो हम टैक्स लेंगे लेंगे, लेकिन आपकी फॉरेन इनकम जो होगी आपकी उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट बन गए हैं इंडिया में, ठीक है। फॉरेन कंपनी बोले तो कौन सी कंपनी, छोटी कंपनी जो 50 करोड़, लेकिन अगर जैसे ही 50 करोड़ से ऊपर गई इनकम, यानी कि फॉरेन कंपनी हैविंग टर्नओवर, सॉरी इनकम नहीं, टर्नओवर, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट मोर देन 50 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर, 50 करोड़ से ज्यादा की ग्रॉस रिसीप्ट्स अगर आ गई फाइनेंशियल ईयर में उस कंपनी की, तो उसको फिर हम ऑलवेज रेजिडेंट नहीं, फिर हम बोलेंगे कि एक बात बताओ, अब तुम बताओ तुम्हारा पोयम, पोयम इंडिया में है या नहीं? पोयम बोले तो वो वाली पोयम नहीं जो बच्चे सुनाते थे, कि जो बच्चे सुनाते थे, ठीक है, वो वाली नहीं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोयम नहीं, पोयम मतलब यहां पर है क्या, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, देखो ये रहा, एंड कमर्शियल डिसीजन, प्ले पोयम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बोलते हैं, पोयम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मींस प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस आर टेकन फॉर द बिजनेस एज अ होल, पूरी बिजनेस के लिए जो कमर्शियल की डिसीजन और कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं वो कहां से लिए जा रहे हैं, उसका पोयम कहां पर है ये बताओ हमें, समझ में आ रहा है? और पोयम डिसाइड करने के लिए बहुत ही लंबी चौड़ी गाइडलाइंस निकाली गई है, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, ये तय करने के लिए कि आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में है या नहीं, जिसमें लिखा गया है कि अच्छा आपका हेड ऑफिस कहाँ है ये बताओ, अच्छा आपके कितने एसेट्स वहां पर है, कितनी लाइबिलिटी, कितने एसेट्स यहाँ पर है ये बताओ, कितने एम्प्लॉई आपने वहां काम पर रख रखे हैं और यहाँ पर कितने एम्प्लॉई रख रखे हैं ये बताओ, यानी कि इंडिया में ज्यादा आपने एम्प्लॉई काम में रख रखे हैं, अच्छा अच्छा आपने डिसीजन मेकिंग, आपकी पूरी बोर्ड मीटिंग्स कितनी हुई, आपकी डिसीजन मेकिंग की मीटिंग्स कितनी हुई, आपकी मीटिंग्स हुई 16 मीटिंग जिसमें से आपने, अच्छा 12 की 12 मीटिंग आपने इंडिया में कंडक्ट की है, तो इन सभी के बेसिस पर वो अलग अलग एक्सपेक्टेशन है, अलग 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 क्राइटेरिया के बेसिस पर उन्होंने गाइडलाइंस निकाले हैं, कि उन्होंने लगा कि ये गाइडलाइंस हम फॉलो करेंगे और पता लगाएंगे कि आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है कहां। देखो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट तक ही आपको निकालना है, उसके आगे जो गाइडलाइंस है वो आपके कोर्स में नहीं है, गाइडलाइंस देखने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में आपको बताएगा कि इंडियन, ये जो फॉरेन कंपनी है इसका प्लेस, इसका टर्नओवर इतना है और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उसका इंडिया में है। अच्छा जैसे ही अगर ये पता लग जाता है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉरेन कंपनी का इंडिया में है, तो हम बोलेंगे कि वो इन एनी टाइम प्रीवियस ईयर, देखो क्या बोला, एट एनी टाइम प्रीवियस ईयर में पोयम जो है वो इंडिया में आ जाता है, उसका कंट्रोल जो है वो इंडिया में आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि वो रेजिडेंट है, और रेजिडेंट है तो मतलब वो उस कंपनी की फॉरेन इनकम पर भी हम इंडिया में टैक्स लेंगे। बोलो 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 बोलो, बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। अच्छा लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में अगर वो नहीं है, अच्छा पोयम उसका आउटसाइड इंडिया है,
तो फिर हम क्या करेंगे, वो नॉन रेजिडेंट मान ली जाएगी। देखो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कुछ, ये आपके कोर्स में नहीं है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स कैसे निकालना है, कैसे निकालना है, ये सब चीजें नहीं है, ठीक है। अच्छा आ जाओ, क्या क्या बोला गया कंपनी को कैसे निकालना है, कंपनी के बारे में। सबसे पहले तीन टाइप की, दो तरीके की बताई गई, एक तो है इंडियन कंपनी और एक है फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी में बोलो ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया, और फॉरेन कंपनी में दो चीजें, अगर टर्नओवर तुम्हारा 50 करोड़ एंड लेस है तो तुम्हें क्या बोलोगे, तो तुम्हें बोलेंगे कि ये इसमें पोएम देखने की जरूरत है क्या, नहीं, उसको बोलेंगे ऑलवेज नॉन रेजिडेंट। चलो यार जाओ यार, मान लिया हमने और नॉन रेजिडेंट, लेकिन 50 करोड़ से जैसे ही, तो डिपार्टमेंट की आंखें ऐसे फट जाती हैं, डिपार्टमेंट की आंखें ऐसे घूरने लग जाता, डिपार्टमेंट ऐसे घूरता, अच्छा 50 करोड़ ही, ठीक है, ये ही करने लग जाता है यहाँ पे, कहता है 50 करोड़, फिर तो अब हम पोयम चेक करेंगे, पोयम कहाँ पर है ये बताओ। अगर आपने बोला कि पोयम मेरा इंडिया में है किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक दिन के लिए भी इंडिया में आया पोएम आपका, ठीक है, पोएम डिसाइड हो गया इंडिया में, तो हम बोलेंगे कि इसको ये रेजिडेंट है, वरना वो नॉट रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट है। सर क्या इसमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी होता है? ना 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 बेटा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एबीसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई इंडिया में, तो ये क्या हो गई, इंडियन कंपनी हुई या नहीं हुई, बोलो यस सर, इंडियन कंपनी, एंड हैविंग बिजनेस इन मेनी कंट्रीज आउटसाइड इंडिया, मेनी कंट्रीज, मेनी फॉरेन इनकम भी है इसको, तो यानी कि एक बात बताओ, चाहे इसको इसने कंट्रोल कहीं पर भी हो, इंडियन कंपनी बोले तो ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, यस सर। अच्छा पीक्यूआर लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इंडियन कंपनी, ठीक है, बट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वो कह रहा है कि आउटसाइड इंडिया से कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई, इंडिया में रजिस्टर्ड है कंपनी, तो इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। पीक्यूआर लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया में हुई, उसको बनाई गई, वो कंपनी जो बनाई गई है वो आउटसाइड इंडिया में बनाई गई है और वहां पर रजिस्टर्ड थी, एंड प्लेस ऑफ फैक्टिव मैनेजमेंट जो है उसका इंडिया में आ गया, प्लेस ऑफ फैक्टिव मैनेज यानी फॉरेन कंपनी है, उसका प्लेस ऑफ फैक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, तो क्या बोलेंगे उसको, रेजिडेंट। जेपीएच इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेट इन जापान, जापान में उसको इनकॉर्पोरेट किया गया और उसका पोयम जो है वो भी जापान में है, तो यानी फॉरेन कंपनी का वो भी जापान में है, तो क्या बोलेंगे, वो नॉन रेजिडेंट है इंडिया में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो यस सर। अच्छा जैसे ही वो नॉन रेजिडेंट बन गया और इसने यहां से इंडिया से अगर कुछ बिजनेस किया आकर और इंडिया से पैसे कमा कर लेके गया, तो इंडियन इनकम पर तो टैक्स लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन फॉरेन इनकम पर उसकी टैक्स नहीं लगाएंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं, यस सर बात समझ में आ गई है। तो यहां पर हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस वाला जो चैप्टर था ना, ये वाला, उसमें ये वाले पोर्शन जो थे, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का पोर्शन जो था, वो खत्म हो जाता है, ठीक है।